वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 11th क्लास एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 18th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले जो हमने 17 वीडियो लेक्चर बना रखे हैं उसमें हमने सभी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 2.45 का डिस्कस कर चुके हैं। जब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं तो उस न्यूमेरिकल से संबंधित थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर का लिंक हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर हो सके। तो आप न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार बस उस थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर को अवश्य देखिएगा, जिससे कि आपका न्यूमेरिकल से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आइए इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 2.46 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह ये कहना चाहता है कि नाइट्रोजन लेजर 337.1 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य पर एक विकिरण उत्पन्न करती है। यदि उत्सर्जित फोटोन की संख्या 5.6×10^24 हो तो इस लेजर की क्षमता की गणना कीजिए। यदि हम इसको अंग्रेजी में पढ़ें तो वह ये कहना चाहता है नाइट्रोजन लेजर प्रोड्यूस रेडिएशन एट ए वेवलेंथ ऑफ 337.1 नैनोमीटर इफ द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इज 5.6×10^24 कैलकुलेट द पावर ऑफ दिस लेजर। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं कि एक नाइट्रोजन लेजर दे रखी है जिसकी वेवलेंथ 337.1 नैनोमीटर है, जिसको कि हमने 10^-9 से गुणा करके मीटर में चेंज कर लिया है। ये इतनी वेवलेंथ के फोटोन उत्सर्जित करती है। इन फोटॉन्स की संख्या 5.6×10^24 के बराबर है। तो ये न्यूमेरिकल ये पूछना चाहता है कि ये जो लेजर है इसकी एनर्जी कितनी होगी। तो ये जो हमारा न्यूमेरिकल है ये हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 7 ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है। इससे न्यूमेरिकल को करने से पहले एक बार आप ये वीडियो लेक्चर अवश्य देख लीजिएगा, जिससे कि आपको इस न्यूमेरिकल से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आप जानते हैं E=Nhcλ होता है, जहां पर n नंबर ऑफ फोटॉन्स, h प्लैंक कांस्टेंट और c प्रकाश का वेग है और लैम्डा जो है तरंग दैर्ध्य है। सारी वैल्यू आपको दे रखी है, आप इसमें वैल्यू लगाएंगे और कैलकुलेट करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जब सब वैल्यू इस फॉर्मूले में लगा देंगे, n की वैल्यू जो कि यहाँ पर दे रखी है 5.6×10^24, h जो कि प्लैंक कांस्टेंट है और इसका मान 6.6×10^-34, c प्रकाश का वेग है जिसका मान 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड और h लैम्डा जो है वो तरंग दैर्ध्य है जिसका मान 337.1×10^-9 होता है। जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पर रखकर कैलकुलेशन करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू 3.3×10^6 के इक्वल प्राप्त हो जाएगी। एक बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आपको केवल कैलकुलेशन करनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपनी कॉपी में करने का प्रयास कीजिएगा। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2.47 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह ये कहना चाहता है कि नियॉन गैस इज जनरली यूज इन द साइन बोर्ड इफ इट इमिट्स स्ट्रॉन्गली एट 616 नैनोमीटर कैलकुलेट ए पार्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन, बी पार्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाई दिस रेडिएशन इन 30 सेकेंड, सी पार्ट एनर्जी ऑफ क्वांटा एंड डी पार्ट नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ इट प्रोड्यूस 2 जूल ऑफ एनर्जी। यदि हम इसको हिंदी में पढ़ें तो वह ये कहना चाहता है कि नियॉन गैस को समांतर संकेत बोर्ड में प्रयुक्त किया जाता है। यदि ये 616 नैनोमीटर पर प्रबलता से विकिरण उत्सर्जित करती है तो का पार्ट में कहता है उत्सर्जन की आवृत्ति बताइए, खा पार्ट में कहता है 30 सेकंड में इस विकिरण द्वारा तय की गई दूरी को बताइए, गा पार्ट में कहता है क्वांटम की ऊर्जा तथा घा पार्ट में कहता है उपस्थित क्वांटम की संख्या की गणना कीजिए यदि वह 2 जूल की ऊर्जा उत्सर्जित करती है। ये जो न्यूमेरिकल है ये हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 7 और 6 से रिलेटेड है। लेक्चर नंबर 7 में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया है, जबकि वीडियो लेक्चर नंबर 6 में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और टर्मोलॉजी को एक्सप्लेन किया है। आप एक बार ये दोनों वीडियो लेक्चर अवश्य देखिएगा, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और एक बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, नियॉन लैंप इतनी वेवलेंथ की रेडिएशन प्रोड्यूस करता है जो कि 616 नैनोमीटर है। हमने इसको 10^-9 से गुणा करके मीटर में चेंज कर लिया है। तो पहले पार्ट में ये पूछना चाहता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो हम जानते हैं νc/λ, यहाँ पर c जो है वो प्रकाश का वेग है और लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। जब हम इसमें वैल्यू रख देंगे c की और लैम्डा की तो हमको आवृत्ति 4.87×10^-14 पर सेकंड हमको प्राप्त हो जाएगी।
यदि हम बी पार्ट को देखें तो बी पार्ट में 30 सेकंड में इस रेडिएशन द्वारा तय की गई दूरी को वो ज्ञात करवाने को कहता है, तो हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय वी इजिकल टू डी अपॉन टी, यहाँ से डी की वैल्यू वी इंटू टी के इक्वल होगी, वी और टी की वैल्यू हम यहाँ पर लगा देंगे, हम जानते हैं कि रेडिएशन प्रकाश के वेग से गति करता है जिसका मान 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, 3×10⁸ और 30 सेकंड में चली गई दूरी यहाँ पर 9×10⁹ मीटर के इक्वल होगी, जबकि सी पार्ट में इस रेडिएशन की टोटल एनर्जी को हमसे पूछना चाहता है, तो हम जानते हैं E=hc/λ जो कि हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ रखा है, एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, सी प्रकाश का वेग है और लैम्डा जो है तरंग दैर्ध्य है, इन सब वैल्यूज को लगा करके यहाँ पर हम इस रेडिएशन की एनर्जी को ज्ञात कर सकते हैं जो कि 32.27×10⁻²⁰ जूल के इक्वल होती है, जबकि डी पार्ट में यह कहना चाहता है यदि इस रेडिएशन की कुल एनर्जी 2 जूल होगी तो वह कितने क्वांटा उत्सर्जित करेगा, तो हम जानते हैं नंबर ऑफ क्वांटा इजिकल टू टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा, हम इसकी वैल्यू लगा देंगे 2/32.27×10⁻²⁰ जो कि हमने यहां से निकाली है 1 क्वांटा की एनर्जी, तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो नंबर ऑफ क्वांटा 6.2×10⁻¹⁸ के इक्वल प्राप्त हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपनी कॉपी में करने का प्रयास कीजिएगा। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 2.48 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि खगोलीय प्रेक्षणों से दूर सितारों से मिलने वाले संकेत बहुत कमजोर होते हैं, यदि फोटोन संसूचक 600 नैनोमीटर के विकिरण से कुल 3.15×10⁻¹² जूल प्राप्त करता है, तो संसूचक द्वारा प्राप्त फोटोनों की संख्या की गणना कीजिए। यदि हम इसको अंग्रेजी में पढ़ें तो वह कहना चाहता है इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन सिग्नल्स ऑब्जर्व फ्रॉम द डिस्टेंस स्टार्स आर जनरली वीक, इफ द फोटोन डिटेक्टर रिसीव ए टोटल ऑफ 3.15×10⁻¹⁸ जूल फ्रॉम द रेडिएशन ऑफ 600 नैनोमीटर कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन रिसीव बाय द डिटेक्टर। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं ये न्यूमेरिकल हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 7 ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है। आप इस न्यूमेरिकल करने से पहले इस बार इस वीडियो लेक्चर को अवश्य देखिएगा, जिसका कि आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एक बहुत ही ईजी सा न्यूमेरिकल है, इसको हम अपने एक्सरसाइज 2.46 में भी कर चुके हैं। यहाँ पर एक स्टार से या तारे से प्राप्त होने वाले विकिरण की तरंग दैर्ध्य 600 नैनोमीटर दे रखी है और टोटल एनर्जी जो है उसकी 3.15×10⁻¹⁸ जूल के इक्वल है, तो हम यहाँ पर इस लैम्डा के द्वारा तरंग दैर्ध्य के द्वारा एक फोटोन की एनर्जी को ज्ञात कर लेंगे जो कि hc/λ होगी, एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी प्रकाश का वेग है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, जब हम सब वैल्यू उसमें लगाते हैं तो एक फोटोन की एनर्जी 3.3×10⁻¹⁹ प्राप्त होती है। नंबर ऑफ फोटोन इजिकल टू टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, टोटल एनर्जी इसने हमको न्यूमेरिकल में दे रखी है 3.13×10⁻¹⁸ जूल और एनर्जी ऑफ वन फोटोन हमने कैलकुलेट करके निकाली है 3.313×10⁻¹⁹ जूल, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 9.5 आता है जो लगभग 10 फोटोन के इक्वल होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में करने का प्रयास कीजिएगा। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.49 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि उत्तेजित अवस्थाओं में अणुओं के जीवन काल का माप प्राय लगभग नैनोसेकंड प्रकाश वाले विकिरण स्रोतों का उपयोग करके किया जाता है, यदि विकिरण स्रोत का काल 2 नैनोमीटर और स्पंदित विकिरण स्रोत के दौरान उत्सर्जित फोटोनों की संख्या 2.5×10⁻¹⁵ है तो स्रोत की ऊर्जा की गणना कीजिए। यदि इसको अंग्रेजी में पढ़े तो वह कहता है कि लाइफ टाइम ऑफ द मॉलिक्यूल इन द एक्साइटेड स्टेट आर ऑफन मेजर्ड बाय यूजिंग पल्स रेडिएशन सोर्स ऑफ ड्यूरेशन नियरली इन द नैनो सेकंड रेंज, इफ द रेडिएशन सोर्स हैज द ड्यूरेशन ऑफ 2 नैनोसेकंड एंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड ड्यूरेशन द पल्स सोर्स इज 2.5×10⁵15 कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द सोर्स। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड टर्मोलॉजी से रिलेटेड है, एक बार आप इसको अवश्य देख लीजिएगा जिससे कि आपका न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि जो आवर्तकाल है वह 2 नैनोसेकंड के इक्वल है, जिसको हमने 10⁻⁹ से गुणा करके सेकंड में चेंज कर लिया है। नंबर ऑफ फोटोन 2.5×10⁻¹⁵ है तो इसकी टोटल एनर्जी पूछ रहा है, तो हम जानते हैं E=nh
न्यू होता है, न्यू बराबर वन अपॉन टी के इक्वल होता है, तो ई की जो वैल्यू हो गई एन एच अपॉन टी हो गई, सारी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो टोटल एनर्जी 8.28 10^-2 हमको प्राप्त हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपनी कॉपी में करने का प्रयास कीजिएगा। तो इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है और जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो इससे आगे के एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में किए गए सभी न्यूमेरिकल्स एक जैसे ही हैं, आपको केवल एक बार ही थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर देखना होगा और उसके बाद आपको न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे। यदि फिर भी आपको कोई कठिनाई होती है या कुछ परेशानी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं।